से मिल रही है, जहां ट्रिपल मर्डर मामले में पुलिस ने खुलासा किया है पारिवारिक विवाद और पैसे के लेन देन के चलते हत्या की गई। बता दें आपको, पुलिस ने एक नाबालिग सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्यारे लाल कंवर के बेटे और बहू और पोती की हत्या का खुलासा पुलिस ने किया है। बता दें आपको, प्यारे लाल कंवर जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम थे, उनके बेटे बहू और पोती की हत्या हुई थी और इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है आरोपियों को। 6 आरोपी हैं जिनमें एक नाबालिग भी है। हम रुक करेंगे लक्ष्मण महंत, हमारे संवाददाता, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, कैसे पुलिस ने इस पूरे ट्रिपल मर्डर मामले में खुलासा किया, आरोपी गिरफ्तारी हो पाई? जी बिल्कुल, देखिए ये जो ट्रिपल मर्डर का मामला है, इसमें आरोपी जो पुलिस है वो काफी संजीदगी से काम करते हुए कुछ ही घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसमें 6 आरोपी गिरफ्तार किया गया है, 6 आरोपियों को, और इसमें जो मास्टरमाइंड थे वो मृतक के जो बड़े भाई हैं वो और उनकी पत्नी दोनों मास्टरमाइंड रहे हैं। इसमें बताया जा रहा है कि दोनों घर में आपसी विवाद चल रहा था, लेन देन को लेकर जमीन विवाद का मामला था इसमें। तो जो दोनों महिलाएं थी, देवरानी और जेठानी, के बीच आए दिन झगड़ा होते रहता था। तो जो जो उनकी भाभी है मृतक की, वो अपने पति के साथ एक मास्टरमाइंड गेम बनाया, योजना बनाई उनकी मौत को घाट उतारने के लिए। इसके लिए जो बड़े भाई का साला है और उसके 2 साथी, उनकी मदद ली गई, उनको प्रलोभन दिया गया था। तो आज जो तड़के, जब इन लोग मॉर्निंग वॉक के बहाने, जो मृतक के बड़े भाई हैं वो अपनी फैमिली के साथ अपनी पत्नी और 2 बेटियों को मॉर्निंग वॉक के लिए ले गए, और इसी दौरान उसको, जो उसके साले हैं, जो आरोपी है, मुख्य आरोपी परमेश्वर, उनको मैसेज कर दिया गया कि हम लोग निकल गए हैं और घर खुला है। उसके बाद सुबह के वक्त लोग तड़के करीब 4:30 के करीब घर में दाखिल होते हैं और जो धारदार हथियार होता है उससे ताबड़तोड़ हमला कर दिया जाता है। तीनों हरीश कंवर और उसकी पत्नी और उसकी 4 साल की मासूम बेटी को मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसके बाद वो दोनों आरोपी बाइक से भागने की कोशिश करते हैं। इसके बाद जो उनका जो हथियार था उसको पास के करीब 4 किलोमीटर दूर जंगल के बीच एक जलाशय है, वहां पर उसको हथियार को फेंक दिया जाता है। उसके बाद वहां पर अपने कपड़े को भी जला दिया जाता है। और जो मुख्य आरोपी है जिसने वारदात को अंजाम दिया था परमेश्वर, वो उसको भी चोट लगी थी इस घटना में। तो वो करतला इलाके के जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर भर्ती होता है ताकि इस मामले को गुमराह किया जाए पुलिस को। वहां पर ये बताता है वो कि सड़क हादसे में वो घायल हुआ है। तो इस पुलिस को सूचना मिलने के बाद जो तमाम तस्दीक की जाती है पुलिस के बाद, पुलिस इस मामले में तो कड़ी जोड़ते जोड़ते, वो जो मुख्य आरोपी है जो घायल था उसने एक्चुअल में 112 को फोन किया था। तो इस हिसाब से पुलिस को कड़ी मिलती है और पुलिस उस आरोपी को गिरफ्तार करती है। उसके बाद फिर वो तमाम जो यानी समझा जा सकता लक्ष्मण की काफी चुनौती थी पुलिस के लिए इस पूरे ट्रिपल मर्डर मामले में खुलासा करना, लेकिन बड़ी ही सूझबूझ से पुलिस ने खुलासा कर लिया और आखिरकार गिरफ्तार कर लिया आरोपियों को, जैसा आप बता रहे हैं। बहुत बहुत बातचीत के लिए धन्यवाद लक्ष्मण।